नमस्कार, स्वागत है आपका सेट नंबर 21 के हिंदी के सॉल्यूशन में। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं शामिल है? देखो भाई, ये चीज़ें अब कोई नई चीज़ नहीं रह चुकी है, सब चीज़ें अब लगभग ऐसे लग रही है कि यार सब हो रखा है ना, तो रिवीजन वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ अगर टॉपिक रह जाते हैं तो ज़रूर मैसेज करना चैट सेक्शन में। कोई अगर टॉपिक में आपको लगता है कि यार इसके थोड़ा सा एग्जांपल ज़्यादा देखने चाहिए, जो थोड़ा सा डाउट हो रहे हैं, तो निसंदेह वहाँ पर हम थोड़ा बहुत उस पर फोकस करेंगे, दो चार प्रश्न आपका एक्स्ट्रा रख के उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, देखो पूर्वी में अवधी और बघेली और छत्तीसगढ़ी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मगही बस जाती है, और मगही की अगर हम बात करेंगे ये भोजपुरी के साथ, भोजपुरी मैथिली और मगही, भोजपुरी मैथिली और मगही, ये तीनों के तीनों आपके पास किस में आ जाएंगे, आपका बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपका शामिल होती हैं। ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर पांच उपभाषाओं में दो तो यहीं पर सामने सामने हो गई। राजस्थानी में मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी आ जाएगा। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, सभी को पता है। आपके पास पश्चिमी हिंदी की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में आपके पास आ जाएगी क्या, बांगरू, जिसको कि हरियाणवी कहा गया, बुंदेली, कौरवी यानी खड़ी बोली, ब्रजभाषा और बुंदेली। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, बुंदेली तो हो गई थी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी और ब्रजभाषा। ठीक है, इस तरीके से अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हमारे पास आता है। सेकंड कहता है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य संग्रह। देखो, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एक व्यंग्य नामक व्यंग्यात्मक रचना है जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखी गई है। हरिशंकर परसाई के जो उपन्यास मिलते हैं, रानी नागफनी की कहानी, ज्वाला जल, तट की खोज, तीन आप लोगों ने यहाँ पर देखे। इसके अलावा हमने जो चैप्टर पढ़े, टॉर्च बेचने वाला मिल जाएगा, प्रेमचंद के फटे जूते, भूत के पाँव पीछे, इनको याद रखना, मैंने आपको बता रखा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो भाई यहाँ पर ध्यान रखना, जब आप एप्लीकेशन खोलते हो तो एप्लीकेशन पे के साइड मेन्यू में तीन आपका डॉट दिखेंगे, उसमें जाके आपको यहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह कुछ करके मिलेगा। तो वहाँ पर पीडीएफ, आप हिंदी लेखकों से संबंधित पीडीएफ है, उसको जरूर एक बार रिविजन करेंगे, देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है, चलिए तीसरा है कि सम्मान का विलोम। तो सम्मान का यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा, किसी का सम्मान करना, किसी का अपमान करना। ठीक है, ये असम्मान, पहले तो ये शब्द ही नहीं होता है, ठीक है, ये असमान शब्द होता है, असमान का क्या हो जाएगा, समान, वो दूसरा वाला सम्मान वाला, समानता वाला है ये सम्मान, किसी का आदर सत्कार सम्मान वाला है। आदर का अनादर मिल जाएगा, उपमान का तुलना के अर्थ में देखें तो उपमेय आपके पास मिल जाएगा। निर्धन में संधि पूछी गई है तो यहाँ पर आपका निर्धन में विसर्ग मिल जाएगी, क्या हो जाएगा, नी विसर्ग प्लस धन, इस तरीके से बना है। और आपको पता है कि विसर्ग से पहले अगर आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद सघोष हो, ता था द ध, चौथा ना सघोष में, तीसरा चौथा पांचवे में, तो इसका रा हलंत हो जाता है। फिफ्थ के ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग, तो ठठेरा का ठठेरीन आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। बाकी तो देखो कुछ भी नहीं है, बस रिवीजन वाली चीज़ें हैं। हमारे पास हाथी का हाथी नहीं आ जाएगा। वीर शब्द का वीरांगना मिल जाता है। विद्वान है, थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, विद्वान का विदुषी, मात्रा वगैरह भी ध्यान रख लेना। ठीक है, साथ साथ में हमारे पास सम्राट है, सम्राट का साम्रागी हो जाएगा। चौधरी शब्द ना, चौधरी का चौधराइन और चौधरानी दोनों मिलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मुगल का मुगलानी हो जाएगा, लाला का ललाइन हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। हमने ये भी देखा कई सारे शब्द, पुलिंग में मान होगा तो स्त्रीलिंग में मति हो जाता है, पुलिंग में वान होगा तो स्त्रीलिंग में वती हो जाता है, भाग्यवान का भाग्यवती, श्रीमान का श्रीमती, गुणवान का गुणवती, इस तरीके से इन चीजों को याद रखेंगे भाई। ठीक है, झरोखा शब्द का तत्सम रूप, देखो झरोखा का तत्सम रूप है जालक, जालक झरोखा ही खिड़की के पर्यायवाची है। यव का तद्भव हो जाएगा जौ, सकल का हो जाएगा छिलका, छिलका, वैसे सकल का सल्क भी मिलता है, सल्क, आपने सल्क कंद पढ़ा ना, साइंस वाले जो लोग होंगे तो हमने प्याज को वहाँ पर कंद के रूप में देखते हैं, लेकिन सल्क कंद जिसके छिलके निकलते हैं। ठीक हो जाएगा, अगला चलेंगे सेवंथ, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, प्रदर्शनी नहीं बल्कि क्या मिल जाएगा, प्रदर्शनी, यानी सामे एक ही मात्रा नहीं मिलेगी। और हमने ये भी देखा कि बिल्कुल मिलेगी जब आपका प्रियदर्शिनी की बात की जाए, तब यहाँ पर सामे छोटी की मात्रा आपके पास मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा सा थर्ड वाले को विशेष रूप से ध्यान रखना, अहल्या, अहिल्या नहीं अहल्या, ऐसे हमने देखा था कि द्वारिका नहीं, क्या मिलेगा शुद्ध आपको, द्वारका शब्द आपको यहाँ पर शुद्ध मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं कि जब तक वह घर पहुँचा तब तक पिता, उसके पिता जा चुके थे, जब और तब, कहीं ना कहीं ये दो आपका योजक शब्द हमने देखे कि जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी अगर वाक्य में ये है
तो वाक्य में ये भी होगा। तो जब तब यदि तो वगैरह ये सारी के सारी चीज़ें किस में आ जाएंगे आपका मिश्रित वाक्य में आ जाते हैं, मिश्रित वाक्य में। और मिश्रित वाक्य की जब हम बात करते हैं तो मिश्रित वाक्य में यहाँ पर आपका उपवाक्य मिलते हैं और जब तब वाला किससे मिल जाएगा सीधे सीधे आपके पास, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। चलिए नायंत्र के तालु में जीव न लगना, तो ये हो जाएगा आपका चुप न रहना। तालु में जीव कब लगती है, जब मुंह बंद हो जाए, तालु ऊपर वाले को बोलते हैं ना, ऊपरी हिस्सा जो आपका मुंह का होता है तालु, तालु में जीव न लगना, बोलते रह रहा कोई तालु में जीव कहाँ से लगेगी, है ना। ऑप्शन फोर्थ में अत्यधिक बोलना, यहाँ आपका यहाँ पर कभी कभार इसके अर्थ आता है डींग हाँकना, ठीक है। इसके लिए मुहावरा आते हैं दोनों के लिए, गाल बजाना, ठीक है, गाल बजाना। टेंथ आता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, भाई परिमाणवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ढूंढो कि क्या किसी वाक्य में मात्रक है, यूनिट, जहां पर किस चीज को मापा या तोला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा कि हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड है जिसमें किलो, किलोग्राम एक यूनिट आ गई, सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। दो किलो अनाज दे दिया, अनाज देना कितना, दो किलो, जितना किलो में कितना, दो किलो बराबर होना है उसने, तो परिमाण तो है लेकिन साथ साथ में क्या है, निश्चित परिमाण आपके पास आ जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे, वैसे तो संज्ञा से पहले सर्वनाम है लेकिन जो कुछ सर्वनाम है या तो संख्या बताएगा या मात्रा बताएगा, और निर्धारित कौन करेगा, ये वाला पद। बच्चे हैं ना, तो बच्चों को गिना जाएगा या मापा तोला जाएगा, बच्चों को हम गिन सकते हैं इसलिए आपका संख्या में आ जाएगा, और कुछ पता नहीं कितने हैं तो ये आपका किस में आ जाएगा, अनिश्चित संख्या में आपके पास आ जाता है। सभी लोग, ये भी अनिश्चित संख्या में हो जाएगा। मुझे दो दर्जन केले, कितने केले, दो दर्जन, एक दर्जन बराबर 12, दो दर्जन बराबर 24, कितने केलों की बात की जा रही है, 24 केले, संख्या में है और निश्चित संख्या में आपके पास ही आ जाते हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान, तो चा वर्ग सीधे सीधे आपका तालव्य में आ जाएगा, ज्यादा कोई सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लगातार हो रखें, ता वर्ग आ जाएगा, उष्ण में पावर्ग आ जाएगा, वर्ष में सर अल जन, इस तरीके से हमने देखा था सभी को। इनमें से कौन सा एक शब्दालंकार नहीं है, देखो शब्दालंकार के पांच अलंकार शब्दालंकार में आपका अनुप्रास हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, वक्रोक्ति हो जाएगा, यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाता है, और वीप्सा, वीप्सा जो अलंकार है ना इसी को पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश भी कहा जाता है, ठीक है। तो भाई बहुत कम चांस हुए हैं कि हरिद्वार में 100 नंबर का पेपर हुआ हरिद्वार आयोग का और अलंकार वगैरह ना आए हों, समास वगैरह ना आए हों, मुझे लगता है समास भी एक बार देख लेने चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। यमक की बात करें तो यमक आपका किस में आ जाएगा, अर्थालंकार में, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जहाँ पर आपका, एक मिनट है, यमक नहीं, सॉरी, उपमा, उपमा है इसका आंसर, उपमा में अर्थालंकार में हो जाएगा, यमक भी आपका शब्द में मिल जाएगा, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्त, वीप्सा और श्लेष, ये जो पांच भेद हैं ये आपका किसमें मिल जाएंगे, अर्थ शब्दालंकार में, बाकी का अर्थ देखा जाएगा। और इस तरीके से भी याद रखना, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है, लुसेंट से ही पढ़ा है, तो मुख चंद्र के जो भी एग्जाम्पल में ना उपमेय उपमान वाले, वो सब आपका अर्थालंकार में आ जाते हैं, ठीक है। जिनमें से कौन सा एक पश्च स्वर का उदाहरण है, पश्च स्वर में आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आ जाता है, पश्च स्वर में आ हो जाएगा, ऊ हो जाएगा और ओ औ, ये आपका पश्च में आ जाएगा। आ की बात करेंगे तो आ जाएगा किस में आपका, ये मध्य स्वर में आ जाएगा, ई साथ साथ में ई और ए के साथ आई, ये चार आपके पास किस में आ जाएंगे, आपका अग्र स्वर के अंतर्गत ही आपका शामिल मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं कि हमारे पास फैंटेसी का भी, तो गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। ऑप्शन नंबर फोर्थ में प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा गया, देखो कलम का जादूगर आएगा, तो यहाँ पर रामवृक्ष, बैनीपुरी वगैरह आपके पास मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से गधा का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपका मोसक, ये हमने कई बार देखा हुआ है, मोसक हो जाएगा, आपके पास कुंभिल शब्द आ जाता है, मोसक हो जाएगा, कुंभिल हो जाएगा, साहसिक, साहसिक हो जाता है, यहाँ पर आपका रजनीचर, रजनीचर, ये सारे के सारे किसके मिल जाएंगे, चोर के। अब आप सोचिए रजनीचर तो राक्षस का, बिल्कुल राक्षस का भी है लेकिन चोर का भी होता है, क्योंकि अधिकतर चोरियाँ कब होती हैं, रात्रि के समय ही होती हैं, इसलिए चोर को भी यहाँ पर आपका क्या जो है वो कहा गया, क्या रजनीचर आपका कहा गया है, ठीक है। चलिए बाकी तो राशव, धूसर, चक्रीवान वगैरह ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपका खर मिल जाएगा, खर, यहाँ पर शीतलावाहन, ठीक है, खर मिल जाएगा, शीतलावाहन यहाँ पर मिल जाएगा, धूसर, यहाँ पर आपका वेसर मिल जाता है, वेसर, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर आपका ध्यान रखना भाई। अगला चलेंगे,
क्वेश्चन नंबर आता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और ये हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है विशेषण की अवस्थाएं वाला, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें आपका, तीन अवस्थाएं, मूल अवस्था जहां पर एकमात्र विशेषण की विशेषता बताई जा रही होगी, उसके बाद आपका उत्तरावस्था जहां पर आपका क्या होगा, दो विशेषण विशेषणों की आपस में तुलना की जा रही होगी, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या, तीसरी अवस्था कौन सी, उत्तमावस्था, जहां पर एक दो से नहीं सभी से तुलना की जा रही हो, वो आपका किस्म आ जाएगा, आपका उत्तमावस्था में आपके पास आ जाता है, ठीक हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर आता है 17 कि बच्चा दौड़ नहीं पाता। अब यहाँ पर देखो कर्ता कौन है, बच्चा, और हमने कई बार देखा कि बच्चे के साथ अगर विभक्ति नहीं है तो सीधे आंसर आपको कर्तृवाच्य मिल जाएगा। पुराने वीडियोस में, वैसे हमने एक आध वीडियो में देखा है इस चीज़ को, फिर भी अगर वाच्य थोड़ा सा कंप्लीट करने हैं किसी को तो यूट्यूब पर भी वीडियो वगैरह डली है भाई, थोड़ा सा वहाँ पर आपका एक बार चेक कर लीजिए सक्षम अकादमी के चैनल पर जाके। निम्नलिखित में से किस रचना को बृहद होली गीत के रूप में रचित किया गया, तो ये आपका यहाँ पर सूर सारावली आता है बृहद होली गीत के रूप में। सूर सागर की बात करेंगे तो सूर सागर में आपके पास क्या मिल जाएगा, एक तो यहाँ पर भ्रमर गीत मिल जाएगा और दूसरा कृष्ण के बाल लीला का वर्णन, ठीक है, क्या मिल जाएगा, कृष्ण की बाल लीला का वर्णन आपके पास यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। साहित्य लहरी की बात करेंगे तो साहित्य लहरी में यहाँ पर आपका किसकी, सूरदास की ना सारी, तो सूरदास का वंश वृक्ष इसमें मिलता है, सूरदास का वंश वृक्ष यानी वंशक्रम यहाँ पर आपका दिया गया है, और नल दमयंती भी इनकी एक रचना है। कुल मिलाकर एक रचना और यहाँ पर याद रखना, ब्याहलो, तो पाँच रचना है सूरदास की, बस यही ध्यान रखनी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इनमें सूरदास में, ठीक है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, थोड़ा सा ऑप्शन नंबर फोर्थ में ला होना था इसने, यानी हरावल इस शब्द को कहा जाता है, हरावल। होदा ये हो जाएगा हाथी की पीठ पर, हाथी की पीठ पर रखा जो आपका आसन होता है उसको यहाँ पर होदा कहा जाता है। महावत तो हाथी को नियंत्रित करने वाला होता है, और एक महाबट या माबट शब्द भी आता है शीतकालीन वर्षा के लिए, हमने देखा ना जीएस वगैरह में कई बार कि जो शीतकालीन वर्षा होती है, जो आपका कब होती है, जो आपका शीतकाल में वर्षा होती है राजस्थान वगैरह क्षेत्र में खासतौर पर, तो उसको वहाँ पर महावत कहा गया है, महावट या माबट। कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन, देखो क्या पूछा, संघर्षी, अब जिसने चाक किया ना ध्यान रखना वो स्पर्श भी है साथ साथ में, स्पर्श संघर्षी में आएगा, लेकिन अभी केवल संघर्षी की बात कर रहा है तो संघर्षी में आ जाएगा ह, स स स ह आपका संघर्षी में आ जाते हैं। बाकी ल या तो यहाँ पर आपका अंतस्थ में आ जाएगा, यार अलावा चार आपके पास आ जाते हैं ना, और चा तो आपका स्पर्श में आ जाएगा। स्त्री शब्द में कुल वर्ण, तो स्त्री में कुल वर्ण हमने आपका चार देखे यहाँ पर, स्त्री में क्या हो जाएगा, सा हलंत प्लस ता प्लस रा प्लस ई, इस तरीके से एक दो तीन चार, चार वर्ण हो जाएंगे। अक्षर मिल जाएगा तो अक्षर केवल एक ही रहेगा। संपादष्ठानक ये भी ध्यान रखना, संपादष्ठानक सबसे पहले हमने देखा कि अनुस्वार का जिस पर लगा है उससे कोई लेना देना नहीं, ये अगले वाले के फिफ्थ में बदल जाएगा, तो सा तो सा प्लस आ होना चाहिए, अंग नहीं आएगा, ठीक है, सा प्लस आ तीनों में बिल्कुल है। अनुस्वार का अगला है पा, और पा का पांचवा, पापा बाबा माँ आ जाएगा, ना वाला भी बाहर, माँ माँ में दो है, पा भी कॉमन है, यहाँ पर देखो पा में कौन सा स्वर है, आ, तो आ वाला यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर आ प्लस आ है, लेकिन ध्यान रखना किसी व्यंजन की लगातार दो मात्राएं नहीं हो सकती है, ठीक हो जाएगा। चलिए कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही सुमेलित नहीं है, तिक्त का तीता, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे तिक्त का तीता है ऐसे ही रिक्त का क्या मिल जाएगा, रीता मिल जाएगा, या फिर आपका तीक्ष्ण शब्द मिलता है, तीक्ष्ण का क्या मिल जाएगा, तीखा शब्द यहाँ पर मिल जाता है। सुगंध का सोन, ठीक है, सुख का सुआ, बिल्कुल, हरित की हो जाएगा किसका, हरड़ का, और हरा का क्या हो जाएगा, तत्सम, हरित शब्द आपका तत्सम रूप में मिल जाता है। इनमें से कौन सा शब्द दो दो उपसर्ग से निर्मित नहीं हुआ है, देखो पहला है स्वावलंबन, क्या हो जाएगा, स्व प्लस औ प्लस लंबन। पर्यावरण है क्या हो जाएगा, परि प्लस आ प्लस वरण। समालोचना है समहलंत प्लस आ प्लस लोचन। अनैतिक है आ प्लस नीति प्लस एक। अब ढूंढना है यहाँ पर में से आपका क्या, मूल शब्द ढूंढना है, जो मूल शब्द है, मूल शब्द इसमें है लंबन, इसमें है वर्ण, इसमें है लोचन, इसमें है नीति। अब यहाँ पर देखें ऊपर लंबन में, तो लंबन में देखो
दो शब्दांश जुड़े हैं तो दो उपसर्ग हैं, दो शब्दांश दो उपसर्ग, दो शब्दांश दो उपसर्ग, लेकिन इसमें आगे एक ही है और एक पीछे है, यानी एक उपसर्ग और एक प्रत्यय है। ऑप्शन फोर्थ आंसर हो जाता है जिसमें दो उपसर्ग नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधित संधि के साथ सही सुमेलित नहीं है? भारतीश्वर, भारती प्लस ईश्वर दीर्घ, बिल्कुल है। वागीश्वर गलत है भाई, क्योंकि देखो वागीश्वर सभी ने पढ़ा होगा, ये वाक प्लस ईश्वर से बना है, वाक प्लस ईश्वर से बना हुआ है, और का गा 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 बन जाएगा, गा में एक ही मात्रा की, तो वागीश्वर इस तरीके से संधि कौन सी मिल जा रही है? प्लस से पहले हलंत कहीं पर भी मिल जाएगा, तो ये आपके पास व्यंजन संधि हो जाती है, प्रति प्लस उत्तर यण संधि हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? अश्विनी पूर्णिमा दही नर्मदा, तो दही पुल्लिंग है और शहद शब्द भी पुल्लिंग है, ये भी हमने कई बार देखे हुए। अश्विनी, अश्विनी एक नक्षत्र का नाम है, और अश्विनी भारिणी भास्विनी ये सब आपका किसमें स्त्रीलिंग रूप में ही आपके पास मिल जाने वाले हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो आपके पास यहाँ पर जैसे पूर्णिमा है, किसी तिथि का जिक्र हो रहा है, ठीक है, तिथि की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे प्रथमा द्वितीया पूर्णिमा अमावस्या ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास किसमें स्त्रीलिंग में आ जाती हैं। नर्मदा नदी भी स्त्रीलिंग में आ जाती है, नर्मदा में ब्रह्मपुत्र नाम हम जरूर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र आपका किसमें आ जाता है? पुल्लिंग में आ जाता है। ठीक है, बाकी तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है कि निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग कभी भी वाक्य के अंत में नहीं होता है? अल्प विराम हमेशा वाक्य के मध्य में, अल्प विराम अर्ध विराम ये हमेशा हमेशा वाक्य के मध्य में प्रयोग होते हैं, कभी भी अंत में प्रयोग नहीं होते, ध्यान रखना। पूर्ण विराम में सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में बस प्रश्न सूचक और विस्मय सूचक को छोड़ दिया जाए अगर, तो बाकी सभी के अंत में आपका किसका पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है तो साहब तो ठीक है, हिरण्यकश्यप गलत है, बाकी तो ठीक है ना। चलिए हिरण्यकश्यप की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है? हिरण्य कश्यपु शब्द मिल जाएगा, और हमने ऐसे कई सारे नाम देखे जिसमें आपका जैसे वाल्मीकि आ जाता है, हमारे पास हमने अश्वत्थामा देखा है, अश्वत्थामा शब्द आ जाएगा, हमने मेघनाद शब्द देखा है, हमने यहाँ पर सूर्पणखा, कैलाश नाम आता है, कैलाश में हम तालव्य सा लिखते हैं लेकिन कैलाश क्या हो जाएगा आपका दंत सा के रूप में आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कैलाश। ठीक है, इसके अलावा भी और मिलते हैं, जैसे हमारे पास मैथिली शरण नहीं बल्कि क्या मिल जाएगा, मैथिली शरण आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा, मैथिली शरण। हमारे पास क्या है, एक शब्द मिलता है आपका क्या सांकृत्यायन, तो सांस्कृत्यायन है, ये क्या मिल जाएगा सांकृत्यायन, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द के आधार पर कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो अजात शत्रु, पसीने से उत्पन्न जीव स्वेदज, जो बहुत बोलता है वाचाल ठीक है, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला। जब हम आपका कभी पढ़े होंगे ना ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो सबसे पहले यही चीज़ें पढ़ते हैं, आस्तिक नास्तिक कृतज्ञ कृतज्ञ ये सारी चीज़ें ना, तो ईश्वर पर विश्वास रखने वाला नास्तिक नहीं बल्कि क्या हो जाएगा ये आस्तिक हो जाएगा, और जो ना रखे विश्वास वो नास्तिक हो जाएगा। थर्टी, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? वाक्य की दृष्टि से ठीक है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद, बिल्कुल रचना संरचना के आधार सरल संयुक्त मिश्र हो जाते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों को वर्गीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता, हमने आठ भेद देखे, अभी आगे देखेंगे कौन सा नहीं वाक्य शायद क्वेश्चन है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक या आवश्यक अंग, ठीक है, वैसे अगर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना तो हमारे पास ऑप्शन फोर्थ सटीक से गलत बनता है, क्योंकि कर्ता होगा तब उद्देश्य होगा और क्रिया कर्म को क्या कहा जाएगा विधेय। फिलहाल इस बेस पर हम तीसरे वाले को सही मानते हैं, लेकिन वैसे भी उद्देश्य और विधेय घटक की जगह उसको अंग ध्यान रखना, तो फिलहाल यहाँ पर सटीक रूप से फोर्थ वाला आंसर मिल जाता है। ठीक है, 31 है कि भारत महिमा, तो भारत महिमा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जयशंकर प्रसाद की रचना आपके पास मिल जाएगी भाई। 31 वह पत्र जिसके द्वारा अमुक पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा की जाती है, और ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है ना कि पुराने पत्र की याद के लिए अनुस्मारक, इसी में ना अनुस्मारक स्मरण पत्र। हमने परिपत्र की बात करी जो एक से अधिक लोगों को भेजा जाए, वो पत्र का फॉर्मेट किसमें आ जाएगा परिपत्र की श्रेणी में आपका मिल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण है? अनुकरणात्मक क्रिया होती है, अनुकरण का मतलब होता है रिपीट होना, सीखना किसी चीज़ से और फिर उसको रिपीट करना, तो यहाँ पर खट खटाना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जैसे बड़बड़ाना हमने लिख दिया बड़बड़ाना, ऐसे हिन हिनाना
भिन भिनाना, ये मूल शब्द आपका रिपीट हो रहे हैं, लहलहाना, सरसराना, थपथपाना, लपलपाना, तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, रिपीट हो रही हैं। अच्छा, दूसरे और तीसरे में जो वाह वाह है ना, ये वाह वाह किस में आता है, सभी ने ये पढ़ाई है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आपके पास आ जाती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी तो वहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये वाह फॉर्म में आ जाएगा। इनमें से कौन सा वाक्य अर्थ के आधार पर सही सुमेलित नहीं है, हो सकता है, देखो हो सकता है आ गया तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये संदेहवाचक हो जाएगा। नरेंद्र गांव नहीं जाएगा, नरेंद्र के बारे में गांव न जाने की बात की जा रही, निषेधवाचक हो जाएगा। बाहर बारिश हो सकती है, देखो हो सकती है, फिर से क्या संदेह, तो तीनों गलत। वह आ जाता तो अच्छा होता, तो आपका संकेत में पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत हैं, तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर थर्ड आपके पास यहाँ पर आंसर मिल जाता है। ठीक है, चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित या प्रकंपित, लुंठित प्रकंपित में आपके पास र आ जाता है ना, व और या की अगर हम बात करेंगे तो इनको यहाँ पर क्या क्या नाम दिए गए, एक तो आपका अर्धस्वर की श्रेणी में आ जाएगा, साथ साथ में हमने इनको श्रुति मूलक भी कहा है, क्या श्रुति मूलक शब्द व्यंजन। ठीक है, ला की बात करें, ला कैसे मिल जाएगा आपका पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन आपके पास ये मिल जाता है। अगला है कि निम्न में से विपरीतार्थक शब्दुग्मों का कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, सम्राट का सम्राटी क्यों होगा, सम्राट का साम्रागी, वीर का वीरांगना, गोप का गोपी, तो फोर्थ बचा जो आपका क्या है बिल्कुल सही मिलता है। अगला चलेंगे क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, अंतः वैयक्तिक संचार, देखो अंतः का मतलब है अंदरूनी, भीतरी। ठीक है, तो संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति, संचारक का मतलब जिस व्यक्ति से संचार उत्पन्न हो रहा है, माना कोई एक व्यक्ति उसके मन में कोई विचार आए हैं वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाना चाह रहा है, जिसके मन में विचार उत्पन्न हुए हैं वो आपका संचारक हो जाएगा, जिस तक संचार पहुंचाना है वो आपका प्राप्तकर्ता हो जाएगा। तो अंतः व्यक्ति होता है जब कोई व्यक्ति खुद में ही संचार करता है, माना आप रास्ते में चलते चलते सोच रहे हो यार आज क्या पढ़ा जाए ना, हिंदी तो कल पढ़ी थी, आज जीएस पढ़े जाए, तो सुन भी कौन रहा है, बोल भी कौन रहा है, आप विचार भी आप ही के मन से, ग्रहण भी आप ही कर रहे हो, या शाम को क्या सब्जी बनाई जाए, दिन का सबसे कठिन सवाल है ना। चलिए बाकी चीज़ें आपका जो भी हम आपका जैसे भगवान की प्रार्थना वगैरह करेंगे, मंदिर में बैठे हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान तो देखो बहुत भाई तब सुनेंगे जब अच्छे कर्म कुछ करें होंगे, है ना, लेकिन अक्सर क्या है यहाँ पर आपका हम खुद तो सुन ही रहे हैं उस चीज़ को। ठीक है, तो अंतः व्यक्तिक अंतर आ जाएगा दो के बीच में। ठीक है, तो दोनों सही है। जनसंचार, देखो जनसंचार क्या होता है, जनसंचार होता है अप्रत्यक्ष माध्यम से, अप्रत्यक्ष माध्यम से समाज के विशाल वर्ग से संवाद स्थापित करवाना। यहाँ पर आपका अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह जो आपका इलेक्ट्रॉनिक साधन वगैरह है उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मली अगर हम देखें तो व्यक्तियों के समूह द्वारा आपस में यानी प्रत्यक्ष रूप से विचार विमर्श, इसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा, ये समूह संचार हो जाता है। क्या समूह संचार, ये प्रत्यक्ष होगा ये अप्रत्यक्ष होगा, बस ध्यान रखना एक व्यक्ति के भी अंदर ही संवाद हो रहा अंतः व्यक्ति, दो के हित अंतर, और तीसरा जहाँ पर जुड़ जाए वो आपका समूह संचार में मिल जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का विकास जो है ना वो आपका सौर सैनी से, राजस्थानी का भी सौर सैनी से, गुजराती सही है और असमिया सही है, तो दो तीन आपका यहाँ पर सही है, दो और तीन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका संधि विच्छेद त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी जो सही संधि विच्छेद वाला है, तो वो आपके पास तीन और चार यहाँ पर मिल जाते हैं, वी प्लस आयाम यहाँ पर आपका यण संधि, विध प्लस ना व्यंजन संधि, तो तीन चार सही हैं, तीन चार। इसका जो संधि विच्छेद मिलता है वो मिलता है महान हलन प्लस लाभ, अब वो आपका जुड़ गया कैसे, महालाभ। ठीक है, व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा ये तो आपको पता है, महा प्लस ईश्वर नहीं, अब क्या होगा महा प्लस ऐश्वर्य हो जाएगा, और आ के बाद ए आने पर ए बन रहा है, फिर से मात्राओं की वृद्धि हो रही तो वृद्धि संधि। कौन सा वर्ग तत्सम शब्द में है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका तत्सम में मिल जाएगा भाई, गोपाल तत्सम है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, ग्वाल या ग्वाला हो जाएगा। गंभीर का आपके पास क्या मिल जाएगा, गंभीर का गहरा मिल जाता है। जमाई की बात करें, जमाई का जामाता शब्द मिल जाएगा। नखत की बात करेंगे, नखत का नक्षत्र शब्द आपके पास तत्सम रूप में मिल जाता है। ऋषि है तो ऋषि का ऋषि ये मिल जाएगा तत्सम में। उपास का तत्सम आपके पास क्या हो जाएगा, उपवास शब्द आ जाता है। राजपूत का यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाता है। और रानी का तत्सम राज्ञी हो जाता है।
ऑप्शन फर्स्ट के अलावा जो भी मेरे द्वारा लिखे गए हैं वो सब तत्सम हैं, जो वहाँ पर ऑप्शन में थे वो तद्भव मिल जाते हैं, पहले में तो क्वेश्चन वाला ही हो जाएगा। विलोम शब्दयुग्म में सही सुमेलित है, नहीं है, जो नहीं है वो पूछा गया, ठीक है। मोक्ष का मिलता है बंधन, विरह का संयोग हो सकता है, योग या संयोग। सोम का दाता, सोम कृपण दोनों का दाता मिल जाएगा। विरत का रत और राग का मिल जाएगा आपको क्या, विराग, ठीक है। दुष्कर का सुकर, दुष्कर मतलब होता है कठिन कार्य, सु मतलब अच्छा कार्य, चंचल का स्थिर। कुल मिला के हम यहाँ पर देख पाते हैं तो सभी के सभी विकल्प गलत हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 जो सम्मिलित नहीं है। प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करना, प्रत्यय तो आपका यही था, समझ प्लस दार ही शायद यहाँ पर है, किसी क्लास में पहले भी हो रखा है, ठीक है। तो स प्लस आदर, स प्लस अवधान, स प्लस भाव, सभी में उपसर्ग है तीनों में, फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। और वही आपको पूछा था कौन सा शब्द है जो प्रत्यय युक्त है, यानी जिसमें क्या है उपसर्ग वगैरह कुछ नहीं, जिसमें क्या है प्रत्यय उपस्थित आपका मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 43। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष अल्पप्राण व्यंजन है। सघोष अल्पप्राण व्यंजन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो देखो सघोष में कौन कौन आते हैं, प्रत्येक स्वर आएगा, फिलहाल यहाँ पर व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाएगा, या र, ला, वा और ह आ जाता है, ठीक है। महाप्राण, अच्छा अल्पप्राण की बात करें, अल्पप्राण में 1, 3, 5 आ जाएगा, यहाँ पर आपका फिर से क्या आ जाएगा, अंतस्थ वाले, या र, ला, वा, या र, ला और वा। कॉमन चीज क्या है, का की बात करेंगे, स्पर्श में का पहले पे है, ता भी पहले पे, ठा दूसरे पे, पा फा बा तीसरे पे है, ठीक है। तो पहला उस दर तो है इधर नहीं है, पहला फिर से आपका बाहर, दूसरा दूसरा भी आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं है, तीसरा तीसरा देखो इधर भी है इधर भी है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 44। कौन से स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण केवल सेकंड आपका मिल जाता है, ठीक है। सेकंड की बात करेंगे तो आपका क्या था, अनु प्लस आय, और स्वर संधि के अंतर्गत क्या हो जाएगा आपका, यण संधि का काम करेगा। किंचित की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका किम प्लस चित, इस तरीके से हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जा रहा है। यहाँ पर आपका नि विसर्ग प्लस रस हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। यहाँ पर आपका तत् प्लस रूप हो जाता है, ठीक है, तो व्यंजन संधि का रूप यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। इसमें सभी वर्तनी शुद्ध हैं, पहले की बात करें भागीरथी, भागीरथी तो ठीक है, लेकिन भागीरथी में मात्रा क्या होगी, भागीरथी ध्यान रखना, भागीरथी ये अगर भगीरथ व्यक्ति की बात आती है तो भगीरथ हो जाएगा फिर, ठीक है, भागीरथी भगीरथ। अनुग्रहित में री हो जाएगा, ठीक है, तो पहले तो आपका दोनों गलत थे। साधु में छोटा ऊ और क्षत्रिय में भी आपको पता है क्षत्रिय में छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। केंद्रीयकरण होगा, केंद्रीयकरण नहीं, अंताक्षरी नहीं, ये आपका क्या मिल जाएगा, अंत्याक्षरी, इस तरीके से मिल जाएगा। चाहे तो आप इस अनुस्वार को आधा ना लगा दो, ता पर फोर्थ वाला है, जो क्या है दोनों के दोनों बिल्कुल सही आपके पास वर्तनी में मिल जाते हैं। अगला एक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग वाक्यांश नहीं, उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। सर्वनाम के अंत में लगने वाला प्रत्यय तद्धित, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में तद्धित, वर्णों का सार्थक समूह शब्द, ये भी सही है, ये भी सही है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22, ठीक है, तो 2, 3 आपका सही है, तो 2, 3 ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है भाई। अगला चलते हैं, जो उत्तराधिकार के लिए उपयुक्त हो, उत्तराधिकृत, जिसको उत्तराधिकार का अधिकार हो, धरोहर तो ठीक है, प्राचीन पुराने वंशजों की जो संपत्ति हो, धरोहर वगैरह, रिक्त तो अलग चीज़ है, खाली वाला, लेकिन हाँ रिक्त आता है कभी कभार वाक्यांश के लिए, एक शब्द आएगा उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए रिक्त आ जाएगा, एक थाती शब्द आता है, किसी के पास रखी गई अपनी वस्तु क्या कहलाती है, थाती भी कहलाती है, जिसको हम अमानत बोल लेते हैं आम बोलचाल की भाषा में। 40 किसी राजपत्र अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, स्वीकृति और उस उनके स्थानांतरण की सूचना को प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या पूछे, राजपत्रित अधिकारी, और राजपत्रित अधिकारी वो होता है जिसकी नियुक्ति राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित होती है, और गजट में प्रकाशित होने वाली हर सूचना क्या कहलाती है, अधिसूचना कहलाएगी। परिपत्र हम देख चुके हैं, कार्यालय आदेश, अगर यहाँ पर राजपत्रित ना होता, सीधे होता, किसी कर्मचारी, किसी कार्यालय के कर्मचारियों की, बाकी सब चीज़ें सेम, तो वो आपका कार्यालय आदेश हो जाएगा। शासनादेश और शासकीय पत्र,
वैसे आगे भी है शायद क्वेश्चन में, शासनादेश और शासकीय पत्र दोनों सरकारी पत्र के फॉर्मेट मिलते हैं। शासनादेश होता है आदेश दिया जाएगा ना, शासन का आदेश किसको, निचले अधिकारियों को, यानी हम कह सकते हैं किसको, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को यहां पर आपका क्या दिया जा रहा है, आदेश पत्र भेजा जा रहा है। लेकिन अगर कनिष्ठ से वरिष्ठ को, कनिष्ठ से वरिष्ठ को अगर भेजा जाए तो शासकीय पत्र के रूप में उसका नाम मिल जाएगा। फोड़ाने के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो प्रथम ज्ञानपीठ महिला की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी को 76 में मिला था। महादेवी वर्मा 1982 में हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता महिला आ जाती है। वैसे सबसे पहला ज्ञानपीठ जी शंकर ग्रुप को 1965 में मिला था, और हिंदी के लिए चिदंबरा के लिए मिला था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में। बाकी महिलाओं में ऑल ओवर में आशापूर्णा देवी, हिंदी में महादेवी वर्मा यामा के लिए मिल जाएगा। अमृता प्रीतम को 56 में ज्ञानपीठ मिला था, और ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता प्रथम महिला ही मिलती हैं। किरसन्य कुमाऊनी को पर किसका प्रभाव, तो कुमाऊनी में खस के ही अंतर्गत दर्द वगैरह जो आपका अभ्रंश वगैरह के रूप मिलते हैं, इसका प्रभाव यहाँ पर माना गया है। 51 आपके पास आता है कि ध्रुव स्वामिनी, तो ये आपका जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाती है ध्रुव स्वामिनी, जो आपके पास मिल जाएगी। निम्न में से भाववाचक संज्ञा का भेद, देखो ध्यान से, जिन्होंने खासतौर पर इसका सेकंड किया है, देखो समझदारी यहाँ पर इसका आंसर है कि समझदारी, समझदारी क्या है कि माना कोई व्यक्ति समझदार है और जिस तरीके की कार्य कर रहा है, हमें उसके कार्य को देख के एक भाव उत्पन्न हो रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया, समझदारी नाम दे दिया, तो ये हो जाएगा भाव। समझदार होना किसी की विशेषता हो सकती है, तो ये आपका विशेषण पद हो जाएगा। समझदारियाँ, कोई भी गुणवाचक विशेषण और कोई भी संज्ञा अगर बहुवचन हो जाएगी ना, तो वो आपका किस में आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन उसका हो जाता है। समझना तो ठीक है, समझना सीधे सीधे क्या हो जाएगा आपके पास, क्रियापद आ जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास, निम्न से किस अलंकार में कारण के रहते हुए भी कार्य पूर्ण नहीं होता, ये मिलता है विशेषोक्ति। विभावना की देखो, इनकी जो परिभाषा ही आती है दो तीनों की बस, विभावना में क्या आता है, विभावना में आता है कि बिना कारण के, बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है, ठीक है। उल्लेख में एक वस्तु का, एक व्यक्ति या वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन किया जाता है, और प्रतीप में देखो उपमा में होता है तुलना, लेकिन कैसी तुलना, उपमा में प्रत्यक्ष की तुलना अप्रत्यक्ष से। मैंने कहा कि मुख चंद्र सा है, मुख सामने है, वो किसकी तरह है, चंद्रमा की तरह। प्रत्यक्ष सामने की वस्तु की तुलना अप्रत्यक्ष से की गई है, लेकिन आपका प्रतीप क्या मिल जाएगा, प्रतीप मिलता है अप्रत्यक्ष की तुलना प्रत्यक्ष से, अप्रत्यक्ष की तुलना प्रत्यक्ष से यहां पर आपका मिल जाएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट अगला, अच्छा विशेषोक्त तो हो गया था ना, आंसर ही था। कौन सा कथन सही है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द सिंधु शब्द से हुई, सभी को पता है हिंदी का प्रयोग 14वीं शताब्दी में भाषा के लिए किया गया, तो दोनों के दोनों यहां पर गए सही मिल जाते हैं। अच्छा थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि हिंदी, हिंदी जो शब्द है वो किसी भाषा के लिए, हिंदी या हिंदवी शब्द किसी भाषा के लिए सबसे पहले जो प्रयोग किया गया वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। किसने अवहट और अभ्रंश को, अवहट को अभ्रंश व आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य की कड़ी माना है, तो यहाँ पर आपका मिल जाता सुनिधि कुमार चटर्जी। अन्विता अभी, इनके द्वारा हमने देखा था, वैसे तो चार भाषा परिवार मिल जाते हैं हमें भारत में, लेकिन एक अलग से इन्होंने भाषाओं का अध्ययन किया और अंडमानी भाषा परिवार, उस परिवार को नाम दिया। श्रीनिवास की अगर हम बात करेंगे तो श्रीनिवास दास के द्वारा क्या मिलता है कि महाप्राण को हटाने का सुझाव, श्रीनिवास ने महाप्राण हटाने का सुझाव दिया, महाप्राण हटाने का सुझाव दिया गया श्रीनिवास के द्वारा। श्याम सुंदर दास की बात करेंगे तो श्याम सुंदर दास ने किसका, अनुस्वार का प्रयोग, ठीक है, इन्होंने कहा कि जो आपका पंचमाक्षर है उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, मतलब ठीक है। चले कौन सी एक देवनागरी लिपि का दोष नहीं है, ये मात्राओं में स्पष्टता, ये दोष नहीं, ये इसकी वैज्ञानिकता या इसका गुण आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। बाकी तो रब पता है कि राव वर्ण में कहीं पर राव ऊपर लिख दिया, कहीं पर नीचे लगा दिया, कहीं पर ना कुछ वर्णों के एकाधिक रूप आपके पास मिल जाते हैं, तो वो सब क्या इसके दोष हैं जिसको पहचानने में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे वो पुलुत स्वर आपके पास मिल जाएंगे। इससे देखो द्वित्व तो स्वर नहीं व्यंजन होते हैं, जैसे आपने लिखा गया दिल्ली, तो जब ला खुद ला पर ही आपका आधा बना रहा है तो यहाँ पर आपका द्वित्व स्वर हो जाएगा, संयुक्त स्वर में ये आई हुआ हो जाएगा। सूर्य ऊर्जा में गुण संधि क्या होगा, इसका संधि विच्छेद सूर्य प्लस ऊर्जा,
सूर्य प्लस ऊर्जा हो जाएगा और आ के बाद ऊ आने पर ओ की मात्रा बन रही है तो गुण संधि आपके पास मिल जाती है। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है कि वे यौगिक शब्द जो किसी एकमात्र अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। पहले तो यौगिक है ना, तो योग भी हैं और रूढ़ भी हैं, तो योग रूढ़ आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर मिल जाता है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में को कारक चिन्ह का प्रयोग कर्म के लिए हुआ है। यहाँ पर देखो दुकानदार के साथ है, यहाँ पर इलाज के साथ है, यहाँ पर शीला के साथ है। सबसे पहले हमें पूछा गया क्या आपका किसमें, कर्म कारक में। देखो कर्म होता है जो भी पद क्या प्रश्न का जवाब होगा उसमें कर्म होगा। चोरों ने दुकानदार, अच्छा क्या के साथ साथ किसको, जब हम कर्म पूछते हैं ना क्या किसको का जवाब, चोरों ने दुकानदार को पीटा, किसको पीटा, दुकानदार। राम ने रावण को मारा, इस तरीके सेम बन रहे ना, तो यहाँ पर कर्ता हो गया चोर चार, अच्छा चारों ने, वैसे चोर था वो, ठीक है चार चार लोग हैं ना, तो चारों वहाँ पर संज्ञा का रूप ले लेता, वैसे चोर है तो ठीक है संज्ञा। चोरों ने काम पीटने का कार्य कर उससे प्रभावित कौन हुआ, दुकानदार, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। गणेश इलाज को दिल्ली गया या इलाज के लिए दिल्ली गया, आपको पता ना को के लिए, जब एक दूसरे को रिप्लेस कर पाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान आपके पास मिल जाएगा। और शीला को पाठ याद करना, पाठ याद करना किसको, शीला को, शीला यहाँ पर करता है जिसको कोई कार्य करना है तो ये करता हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पर्यायवाची समूह सही सुमेलित नहीं है, कौन सा समूह है जो सही सुमेलित नहीं है। निम्न का आपका तटनी कुलंकसा नदी, बिल्कुल सही है। अनल वायु सका हुतासन विश्वानर अग्नि का जलद पयोद अम्बुद नीरद वारिद, ये सब बात करेंगे तो ये सब मिल जाएगा बादल का। हाँ इन्हीं सब में अगर धी लग जाए तब वो बिल्कुल समुद्र का था, ठीक है। लोकेश अजय स्वयंभू आत्मभू ये सब आपका ब्रह्मा के पर्यायवाची मिल जाएगा। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थी शब्द युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर सेकंड, क्योंकि कुसुम और प्रसून दोनों समानार्थी हैं, दोनों के अर्थ एक ही मिल जाते हैं और दोनों का आपके पास क्या मिल जाएगा, वज्र शब्द मिल जाता है, ठीक है। अगला चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा द्वारा रचित नहीं है, तो यहाँ पर आपका गीतिका, गीतिका की बात करेंगे तो गीतिका जो लिखी गई है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना आपके पास यहाँ पर मिल जाती है। जो सरकारी पत्र शासन स्तर से अधीनस्थ यानी वरिष्ठ से कनिष्ठ को, सेम आ गया ना शासनादेश, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा ज्ञापन की बात करेंगे तो ज्ञापन जो है आपका अंतरविभागीय, क्या है, अंतरविभागीय पत्र है जो एक ही मंत्रालय के अंतर्गत जो अनुभाग हैं, विभाग हैं, कार्यालय हैं, उनके बीच क्या हो रहा है, उनके बीच लिखा जाता है, ठीक है। डीओ डेमी ऑफिशियल मिल जाता है, डेमी ऑफिशियल जिसको हम क्या कहते हैं, अर्ध सरकारी कहते हैं, अर्ध सरकारी पत्र जिसको कहा जाता है वो आपका डेमी ऑफिशियल आ जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65 आता है कि वाक्य में अनिवार्य तत्वों की संख्या, देखो अनिवार्य तत्व कितने, 6, वाक्य के अंग 2, उद्देश्य विधेय अनिवार्य तत्व 6, और 6 में भी हमने क्या क्या देखे थे, 6 में हमारे पास क्या मिल जाएगा, सार्थकता, सार्थकता मिल जाएगा, हमारे पास योग्यता मिल जाता है, सार्थकता योग्यता हमारे पास मिलता, आकांक्षा पदक्रम निकटता और अन्वय, ठीक है। तो ये आपका 6 यहाँ पर क्या है, वाक्य के अनिवार्य तत्व संख्या इनकी आ चुकी है ग्रुप सी वगैरह में, कभी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा है कौन सा नहीं है तो ध्यान रखेंगे। अगला चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं है, तो उस पता ना आपको अर्थ के आधार पर संबंध बोधक वाक्य नहीं है, विधान संकेत संदेह हो जाएगा, और विधान के साथ साथ निषेध ध्यान रखना, निषेध यहाँ पर आपका संकेत संदेह तो है ही, यहाँ पर एक आपके पास आ जाएगा आज्ञावाचक, एक आ जाएगा आपके पास क्या इच्छावाचक आ जाएगा, एक यहाँ पर आपके पास आ जाएगा विस्मयादि, एक यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कौन सा जो आपके पास आता है प्रश्नवाचक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 प्रकार के यहाँ पर आपको 8 भेद मिलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। डॉक्टर हालने के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी भाषा पूर्वी गोडियन समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो पूर्वी में कौन सी नहीं है, सिंधी, सिंधी पश्चिमी में है। यहाँ पर आपका 1880 में एक भाषाविद मिलते हैं डॉक्टर हार्नले, जो भारतीय भाषाएं हैं उनका सबसे पहला वर्गीकरण 1880 में इन्हीं के द्वारा किया गया, इनकी एक पुस्तक मिलती है कॉम्परेटिव ग्रामर ऑफ द गोडियन लैंग्वेज, उस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है कि देखो गोडियन नाम दिया, गोडियन भाषा नाम दिया, और गोडियन नाम कहाँ से, देखो आपको पता होगा कि भाई जो गढ़वाल क्षेत्र से उसके द्वारा बोली जाने वाली बोली को हम गढ़वाली बोल देते हैं, जोनसार से जोनसारी, कुमाऊं से कुमाऊनी, है ना। तो ऐसे ही गोंडवाना लैंड, आपने भूगोल में पढ़ा होगा जब 33 सागर का हम निर्माण पढ़ते हैं, ऊपर ओंकार लैंड नीचे गोंडवाना लैंड, जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो गोंडवाना
हमारा लैंड का जो हिस्सा था भारत का, प्रायद्वीपीय भारत का, उसके नाम से इन भाषाओं को गोडियन नाम पड़ा है। तो पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी, दक्षिणी के रूप में आपके पास मिल जाएगा। पूर्वी की अगर हम बात करें पूर्वी गोडियन में, तो पूर्वी गोडियन में एक तो हिंदी का रूप आ जाएगा, कौन सा, पूर्वी हिंदी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर और देखेंगे तो पूर्वी हिंदी के साथ साथ यहाँ पर आपका बांग्ला, बिहारी आ जाएगा, बांग्ला आ जाएगा, असमिया, असमिया आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या, उड़िया आ जाएगा। उत्तरी में एकमात्र कौन सा, पहाड़ी। दक्षिणी में एकमात्र आपके पास कौन सी मिल जाएगी, मराठी मिल जाएगी। पश्चिम में बाकी सब, पश्चिम में कौन सी जाएगी, राजस्थानी हो जाता है, गुजराती हो जाएगा, पंजाबी मिल जाएगी, सिंधी मिल जाएगी, और पश्चिमी हिंदी यहाँ पर आपका मिल जाती है। तो उत्तरी गोडियन, दक्षिणी गोडियन, पूर्वी गोडियन, पश्चिमी गोडियन, इस तरीके से। इसके बाद आता है किसका, जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण। देखो हिंदी के लिए अलग आता है, हिंदी के लिए 5 उपभाषा 17 बोली वाला अलग है, ये भारतीय आर्य भाषाओं का वाला अलग आता है। इसमें केवल 3, भीतरी उपशाखा, मध्यवर्ती और आंतरिक उपशाखा, इन 3 वर्गों में बांटा गया है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास किससे, देखो विकास की बात करें तो अपभ्रंश से। हमने कई बार देखा ना कि भाषाओं का विकास या हिंदी का विकास आए तो अपभ्रंश से हो जाएगा। और अगर ये आपका बात करें किस चीज़ की, हिंदी के, हिंदी की उत्पत्ति की, तब हो जाएगा क्या, संस्कृत आपके पास आ जाएगा। 16 नवंबर 1957 को किसके अध्यक्षता में, संसदीय राजभाषा समिति, तो ये आपका जीवी पंत के अध्यक्षता में हो जाएगा। 59 में इसकी रिपोर्ट सौंपी जाती है। बीजी खेल 7 जून 1955 को पहला राजभाषा आयोग आर्टिकल 344 के तहत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसको गठित किया गया, ठीक है। चलिए लिखने से कौन सा व्यंजन वर्ग, स्पर्श संघर्ष, देखो स्पर्श भी और संघर्ष भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है भाई कि कौन सा वृद्धि संधि से निर्मित हुआ है, देखो ये आपका देव प्लस ऐश्वर्य और रमा प्लस ऐश्वर्य, ये दो हैं जो आपका वृद्धि संधि से बने, 2 और 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये आपका देवी प्लस ऐश्वर्य से बना हुआ है, देवी प्लस ऐश्वर्य, ई के बाद धनुसराय तब या बन रहा है, ये भी सखी प्लस ऐश्वर्य या बाद में बन रहा है, तो ये दोनों के दोनों आपका किसके हो जाएंगे उदाहरण, यण संधि को रटने ही है। कई बार हम मात्राओं को देख के, दो मात्रा देखते हैं, वृद्धि कर देते हैं, सखीश्वर्य, मत्तेश्वर्य, नद्येश्वर्य, देवेश्वर्य, ये सभी के सभी आपका किसमें मिल जाएंगे, आपका यण संधि में। 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समानाभाषी भिन्नार्थी शब्दयुग्म है, समानाभाषी भिन्नार्थी मिलता है अनिल और अनल, अनिल का मतलब हवा, अनल मतलब आग, चुपचाप, चुपचाप, ये युग्म शब्द मिलते हैं ना सारे, चुपचाप, चुप का मतलब तो ठीक है, चाप क्या हुआ, तो ये एक सार्थक और निरर्थक शब्दयुग्म आ जाएगा। हक्का बक्का दोनों निरर्थक हैं और पक्के पक्के ये विशेषण के रूप में आपके पास मिल जाते हैं। निम्न में से कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम का समूह, प्रश्नवाचक में कौन सा, ये कोई कुछ ही आपका किस में आ जाएगा, अनिश्चित में आ जाएगा, आप तुम आपने, ये आपका मध्यम पुरुष सामने वाले के लिए आ जाएगा, और यह वह उसे उन्हें इन्हें, तो ये आपका किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में, किस में, अन्य पुरुष में आपके पास ही आ जाता है। इनमें से कौन सा क्रिया रूप सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रुलाना, देखो ये आना प्रेरणार्थक में और सभी प्रेरणार्थक सकर्मक होती हैं, दौड़ना, हंसना और फिसलना ये आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट अगला, रोशन कल आएगा कि नहीं आएगा, देखो कहीं पर क्या होता ना, रचना संरचना एक ही है, फिर से ध्यान रखना, ये की जो है ना या के अर्थ में आता है, और मुझे पता है कि मैं अगर इस वाक्य में या लिख देता कि रोशन कल आएगा या नहीं आएगा तो सभी का सही हो जाता, लेकिन जिन्होंने अभी इसको गड़बड़ किया है, की देख के मिस्र किया है, तो ये की को थोड़ा सा रिप्लेस भी कर देना, अगर ये की आपका या से अथवा से रिप्लेस हो जाए तो ध्यान रखना वो आपका संयुक्त में आ जाएगा। रोहन कल आएगा अपने आप में पूरा प्रश्न है, रोहन कल नहीं आएगा ये भी अपने आप में पूरा प्रश्न यहाँ पर आपके पास मिल जाता है, ठीक है। चलेगा ही अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता 76, पत्रकारिता जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिक प्रतिबद्धता और नागरिक भागीदारी, तो सार्वजनिक पत्रकारिता इसको कहा जाता है। एडवोकेसी आपको पता है पक्षधर पत्रकारिता हो जाएगी जो ऐड करने का काम करती है। 77 है प्रश्नवाचक वाक्य में मनोभाव, देखो मनोभाव प्रश्नवाचक वाक्य लेकिन मनोभाव, मनोभाव कहीं पर भी आए ना तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपके पास यहाँ पर ही मिल जाएगा। प्रश्न तो ठीक है, प्रश्न आपका सामान्य। अवतरण इन्वर्टेड कॉमाज आ जाते हैं जहाँ पर हमें किसी शब्द शब्दांश या वाक्य को उसके मूल रूप में बिना परिवर्तन करे लिखना हो अवतरण का प्रयोग किया जाएगा। काकपद हंसपद या त्रुटि बोधक हो जाता है, लिखते लिखते अगर कोई पद छूट जाता है उस पद को रिपीट लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, आपने बहुत किया होगा, है ना। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आपका यहाँ पर मनोहर श्याम जोशी की रचना मिल जाएगी ऑप्शन नंबर 3 में,
उस वक्त मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें अलंकार पूछा गया, तो आपने अगर पढ़े हैं ना थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और इसकी पहचान क्या है, यही मनु मानो जनु जानो जो, ये सब चीज़ें मिल जाती है आपका किसकी, उत्प्रेक्षा की पहचान आपके पास आ जाती है। कैदी और कोकिला, तो ये आपका माखनलाल चतुर्वेदी की मिल जाएगी, आपने कविता पढ़ी होगी एनसीईआरटी में मिल जाता है, कोकिल बोलो तो, इस तरीके से यहाँ पर आपका कोई कविता मिलती है ना। निम्नलिखित में से किस समूह में सभी शब्दों की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी की बात कर रहा है भाई। तो पहले की बात करेंगे तो पहले में आपके पास क्या मिल जाएगा, कामायनी और गांधारी, ये हो जाएगा। वेशभूषा में वेशभूषा हो जाएगा और विरहिणी, विरहिणी मिल जाता है। केंद्रीयकरण में अभी देख चुके हैं, युवा वाणी नहीं, ये क्या हो जाएगा, युववाणी शब्द शुद्ध होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी फोर्थ वाला आसान हो, मतलब आंसर भी हो जाएगा फोर्थ वाला, वैसे भी आसानी था। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, अत्यानंद, अति प्लस आनंद, यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है, अति प्लस आनंद, ठीक है। एक ही बात भिन्न सरा या यण संधि मिल जाती है भाई, अति प्लस इत क्या हो जाएगा, ये अति प्लस इत, ई का ई का मेल इसे हो रहा तो ई बड़ी ई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दीर्घ संधि। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। अनेकांत क्या हो जाएगा, अन प्लस एकांत, और आ के बाद ए आई आ रहा है, आई बन रहा है वृद्धि संधि, बिल्कुल सही है। जगदीश, जगत प्लस ईश, प्लस से पहले हलंत आ गया, व्यंजन संधि। केवल तीसरा है जो सही है, और सही पूछा था तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको आंसर मिल जाता है। रावण का उच्चारण स्थान, तो रा का अगर देखो ऑप्शन में दंत मूल है तो पहली प्राथमिकता यही है, दंत मूल इसी को कहा गया वर्ष को, और नहीं है तब दूसरी प्राथमिकता आपके पास मूर्धन्य इसके लिए आ जाएगी। लेखक में, तो लेख लिख धातु प्लस अक से बना है लेखक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर आपका मिल जाएगा। मौन शब्द का सही विलोमार्थी शब्दयुग्म क्या होगा, देखो मौन का आपके पास मिल जाता मुखर, ठीक है, मौखिक का लिखित मिल जाएगा, मौखिक का लिखित, विकार का अविकार मिल जाएगा या निर्विकार शब्द मिल जाता है, मयंक का मिल जाता है रवि, मयंक किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का, तो चंद्रमा के विलोम में आपके पास रवि मिल जाता है भाई, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 87, निम्नलिखित में से कौन कौशिक शब्द का अर्थ नहीं है, तो कौशिक का अर्थ यहाँ पर आपका कौन नहीं है, बंदर नहीं मिलता है, दो तो आपको पता ही है, बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, परोपजीवी, परावलंबी, दूसरे के सहारे स्थिर हो, पराश्रित, दूसरे पर आश्रित, पराधीन, दूसरे के अधीन, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है भाई, ठीक है। तो हिंदी इसलिए आसान बनाई जा रही कि मैथ्स करने का टाइम मिले, उसको टाइम दो। कौन सा शब्द अपने उपसर्ग के साथ सही सुमेलित नहीं है, निष्काम, बिल्कुल हमने देखा कि भाई आपका सा कोई भी हो लेकिन उपसर्ग में यही वाली सा मिलने वाली है। प्रति प्लस आवेदन, ठीक है, परा, पर प्लस जय नहीं, परा, परा प्लस जय, ये आपका यहाँ पर इस तरीके से टूट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाता है। अगला चलते हैं, आकाश कुसुम होना, तो ये जाएगा पहुँच से बाहर होना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी तो ठीक है, देखेंगे। अगला चलते हैं आपका कि सांध्य काकली, सांध्य काकली की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये रचना आपके पास यहाँ पर मिल जाती है किसकी, निराला जी की आपके पास मिल जाएगी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, तो ये कहलाती है आपका संपादकीय। धारावाहिक क्या होता है, किसी बड़े नाटक या किसी बड़ी सामग्री को क्रमशः दर्शाना, जैसे आपका होता ना सीरियल चल रहा है तो क्रमशः सीक्वेंस वाइज आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। आलेख मिलता है कि किसी समसामयिक घटना संबंधी लेख, किसी समाचार पत्र में समसामयिक घटना संबंधी लेख जो होगा वो आलेख कहलाएगा। और फीचर आपके पास मिल जाता है, फीचर में हमारे पास क्या मिलता है कि किसी व्यावहारिक बात का मनोरंजनात्मक प्रदर्शन करना, ठीक है।
जैसे माना कॉमेडी वगैरह हो जाती है ना, तो इसके अंतर्गत आपके पास मिल जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 93 की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो जो नहीं है वो आपके पास मिल जाता है ऑप्शन नंबर 4, तारापति और कलानिधि की बात करेंगे। तारापति और कलानिधि आपका किसका हो जाएगा, चंद्रमा का, और गीरवाण विबुध और वृंदारक ये हो जाएगा किसका, देवता का। तो 2 और 4 आपके पास यहाँ पर आंसर मिल जाएगा जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर 3 वाले में। अगला हमारे पास मिल जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है, तो तद्भव का ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा, तद्भव मेघ, मेह तद्भव है, इसका मेघ तत्सम मिल जाता है। मातुल का तद्भव आपके पास मामा मिल जाएगा। मिश्रण का मृक्षण, इसका मक्खन मिलता है। और शमशान का तद्भव मसान मिल जाएगा, ठीक है, जो गोले में है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास तद्भव में मिलते हैं और बाकी तत्सम में। तरणी तनुजा तट तमाल, इसमें भी कुछ नहीं था, बस आवृत्ति हो रही है तो आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास, और देखो अनेक बार आवृत्ति हो रही है तो वृत्तानुप्रास, बहुत बार आवृत्ति हो रही है, अंत्यानुप्रास ज़्यादा कुछ नहीं, अंत में तुकबंदी होती है। लाटानुप्रास, यहाँ पर वर्ण नहीं शब्दों की आवृत्ति होगी, क्या होगी, शब्दों की आवृत्ति समान अर्थ के साथ, शब्दों की आवृत्ति समान अर्थ के साथ। जैसे माना कोई वाक्य आता कि मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है, मनुष्य मनुष्य रिपीट बार, दोनों बार मनुष्य का मतलब मनुष्य जाति से ही संबंधित है। छेकानुप्रास, वर्ण की या वर्णों की एक बार आवृत्ति, केवल एक बार आवृत्ति, एक बार वो खुद हो और एक बार उसकी आवृत्ति हो रही हो तो आपका छेकानुप्रास मिल जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, मैं तुमसे रविवार के दिन, रविवार के दिन नहीं सिर्फ रविवार को हो जाएगा, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ, ये सही है। इस समस्या का समाधान, हमने कई बार देखा समस्या का निराकरण मिलता है, समस्या का निराकरण समाधान मिलेगा किसका, शंका का, ठीक है। बाकी 4th गलत, इसलिए प्रस्तुत अवतरण सदाचार नामक शीर्षक से लिया गया है। अगला हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 97, कौन से कथन सही है, सभी स्वर घोष यानी सघोष होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण या अलावा बिल्कुल होते हैं। ऊष्म व्यंजन महाप्राण बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये अघोष नहीं होता है, बल्कि अगर इन समूह को एक साथ रखा जाए तो ये आपका अल्पप्राण को दर्शाते हैं। तो 4th वाला गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर मिल जाता है। अला मैंने धीरे से समस्या का समाधान निकाला तो करण हो जाएगा। समस्या का समाधान निकालना क्लियर, कैसे निकाला, धैर्य से। धैर्य वहाँ पर क्या काम कर रहा है, साधन का काम कर रहा है। देवनागरी लिपि को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो देवनागरी को दोनों, हिंदी लिपि लोकनागरी, देवनागरी को दक्षिण भारत में, देवनागरी को दक्षिण भारत में नंदीनागरी और ग्रंथम लिपि के नाम से जाना जाता है, जबकि महाराष्ट्र में इसको किस नाम से, बालबोध के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, महाराष्ट्र में बालबोध के नाम से। अनुस्वार था विसर्ग को अयोगवाद, ये आपका यहाँ पर किशोरीदास वाजपेयी जी का कथन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। चलिए तो भैया इसका सॉल्यूशन था, मिलेंगे अगला पोर्शन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।